स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल मार्केट कमांडो में। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया मार्ट स्टॉक के बारे में। ये वीकली चार्ट है और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो स्टॉक अराउंड 7% की तेजी दिख रही है। और ये तेजी का सबसे बड़ा कारण है इस कंपनी में बाईबैक का आना, और बाईबैक के जो प्राइस है वो अराउंड 6250 पर शेयर का है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये बायबैक का मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं है अगर मिनिमम शेयर आपके पास 63 नहीं है। तो इस बायबैक के जो आने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेंट वही ले सकता है जिसके पास मिनिमम 63 शेयर है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एवरेज शेयर, अगर रिटेल के पास एवरेज शेयर देखें तो अराउंड 16% के आसपास का ही है। इसका मतलब ये है कि ये जो बायबैक दिखेगा, ये जो आपको बायबैक दिख रहा है, ये बायबैक ओनली फॉर बिग इन्वेस्टर के लिए है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं और साथ में प्रमोटर भी पार्टिसिपेट इस बायबैक में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके चार्ट को समझेंगे कि चार्ट क्या कहता है। सबसे पहले ये वीकली चार्ट है, आप देखेंगे ये वीकली चार्ट है और इसमें मैं आपको दिखाऊं कि सबसे पहले हमने ये देखा कि इसमें ये पहला ब्रेकआउट देखेंगे, ये अराउंड 3000 के आसपास का ब्रेकआउट है। इसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअस अपर ट्रेंड में था और अराउंड 10,000 तक के प्राइस को टच किया, ये इसका जो है ऑल टाइम हाई प्राइस है। उसके बाद स्टॉक में फिर एक डाउन ट्रेंड दिखा और अगेन 7,000 के प्राइस को टच करने के बाद अगेन ये स्टॉक जो है अराउंड वही 9,800 के आसपास तक के हाई बनाए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इस कंपनी में दिखा और जो प्रीवियस सपोर्ट था वो प्रीवियस सपोर्ट अराउंड 480 और 450 के आसपास का जो सपोर्ट था वहीं पे ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखी है। ये ब्रेकआउट के बाद आपने देखा कि स्टॉक में, अगर आसानी से आप समझें, यहां से मैं आपको दिखाऊं तो स्टॉक में इस प्राइस से देखेंगे कि अराउंड स्टॉक ने 219% का रिटर्न दिया। इजिली आप देखेंगे तो 219% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। उसके बाद एक शार्प करेक्शन भी दिखा। तो पहला करेक्शन इस स्टॉक में अगर आप आसानी से समझने की कोशिश करेंगे तो पहला जो करेक्शन था इस प्राइस से, तो कंपनी में करेक्शन अराउंड 31% का दिखा। और ये करेक्शन देखेंगे तो इस कंपनी में करेक्शन अराउंड 52% के आसपास का दिखा, 200% के अपट्रेंड के बाद 31% का करेक्शन, और ये 52% का करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। अगेन जिस प्रकार से ये स्टॉक देखेंगे एक कंसोलिडेशन के बाद, ये फेज कंसोलिडेशन का है, इसके बाद ये लोअर सपोर्ट को ब्रेक करके एक अपट्रेंड के लिए आ रही है। इजिली इस स्टॉक में अगर इजिली आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि पहला जो इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, ये पहला ब्रेकआउट इसके आसपास का था, सेकेंड ब्रेकआउट। तो हमारा जो टारगेट होने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में, अगर हम टारगेट देखें तो शॉर्ट टर्म का टारगेट अपना ये होने वाला है, ये जो पहला पहला सपोर्ट था, यहाँ देखेंगे ये सपोर्ट था, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। इस समय स्टॉक जो है, स्टॉक का टारगेट हमको, पहला टारगेट जो आएगा वो अराउंड 6800 का पहला टारगेट आने वाला है, जो बायबैक प्राइस भी है। आप देखेंगे तो बायबैक प्राइस 6250 है, तो हमारा टारगेट जो है T1 ये होने वाला है और सेकेंड टारगेट जो है ये 10,000 का होने वाला है। और इसी में स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे तो इसमें अगर स्टॉप लॉस देखें तो इस टारगेट के लिए, ये जो प्राइस है इसके टारगेट के लिए, हम इसके नीचे के स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। इसके इसको अगर 1 आवर के चार्ट पे आप देखें तो और आसानी से समझ पाएंगे। ये इंडिया मार्ट का स्टॉक है, यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से W के शेप में स्टॉक ने, ये W के शेप में एक ब्रेकआउट आया, ये एक माइनर रेजिस्टेंस है 4520 के आसपास का, 4520 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, और अगर इसको ब्रेक करती है तो इजीली टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में ये टारगेट आप लेके चले कि 5000 तक के यानी, और स्टॉप लॉस जो आपको फॉलो करना है, ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, इसमें
एसएल लेके आपको चलना है 4200, टारगेट हमारा 500 का टारगेट आएगा, और एसएल ये है और करेंट मार्केट प्राइस आप देख ही रहे हैं। श्योरली इसके ऊपर ब्रेकआउट पे एक स्ट्रांग अप ट्रेंड इस स्टॉक में यहाँ तक का दिख सकता है। बाकी बायबैक की भी सारी इंफॉर्मेशन शायद आपको मिल ही गई होगी, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में